गाइस वेलकम टू न्यू ब्लॉग। और फाइनली हम निकल रहे हैं पावा के लिए और शुभम को छोड़ कर जा रहे हैं और निकलेंगे अभी ये बुद्धेश्वर पहुंचेंगे। बुद्धेश्वर के बस पे बैठकर और सीधा पावा के लिए रवाना होंगे और शुभम मिस करेगा, हम भी शुभम को मिस करेंगे। क्या शुभम यार, दिन यानी 8-10 दिन बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैं वहाँ गया तो सबसे मिला था, मौज मस्ती घूमे टहले इधर उधर गए, हम भी सही आए थे। और ब्लॉग आप लोगों ने देख लो कि चिड़ियाघर और इको घर वाले ब्लॉग आप देख चुके होंगे, नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे लिंक और आई बटन में भी मिल जाएंगे और देखिएगा। अब निकलते हैं तो इको अलविदा कहते हैं, उसके बाद मिलना होगा जल्दी क्योंकि अब शादियों का सीजन आ रहा है और शादियों में देखेंगे सारी शादियां हैं। तो और होली के बाद आप फिर ज्वाइन करेंगे यहाँ पर कन्हैया सिटी में। और फिलहाल निकलना है और देखते हैं घर पहुँचते हैं। गाइस आ चुके हैं हाईवे पर और यहीं से लेनी है सवारी और ऑटो, पहुँचना है बुद्धेश्वर, बुद्धेश्वर से पहुँचना है मियागंज, मियागंज से पहुँचना है चकलोन से। सुबह मुझे यहाँ तक छोड़ने आया था और इसे नाला कहा जाता है। सुबह में आए तो नाला यहाँ मिलता है और ऑटो आ रहा और ये ऑटो आ रहा है, लग रहा है इसमें ही बैठेंगे हम लोग। बुद्धेश्वर 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 ठीक। गाइस आ चुके हैं यहाँ पर बुद्धेश्वरन में और यहीं से सवारी पिकअप करनी है और देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होने के कारण आगे बस खड़ी हुई है, बस में बैठते हैं। गाइस चढ़ रहे हैं बस में। बैठे हैं